हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ लोगों ने निकाली जलभरी यात्रा। खबर कैमूर से आ रही है, जहां हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ जलभरी यात्रा निकाली गई। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मोहनिया प्रखंड क्षेत्र के बरेज गांव में हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ जलभरी यात्रा निकाली गई। इस जलभरी यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जल भरा। कोरोना काल के बाद पहली बार इतने धूमधाम से मोहनिया प्रखंड के लोग जलभरी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे नौजवान और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जलभरी यात्रा बरेज गांव से शुरू होकर जीटी रोड के रास्ते मोहनिया होते हुए रतवार दुर्गावती नदी तक पहुंचेगी, जहां से श्रद्धालु जल भरकर पुनः बरेज गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं जानकारी देते हुए मिथिलेश कुमार पांडे ने बताया कि गांव के द्वारा सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 8 दिनों तक लगातार चलता रहेगा, जिसमें कथावाचक के रूप में काशी के जगत गुरु डॉक्टर श्री पुंडरीक जी महाराज की उपस्थिति होगी। श्रीमद् भागवत कथा में उनकी मुखार बिंदु को सुनने के लिए क्षेत्र के काफी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। कथा का समय दिन के 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद अंतिम दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जलभरी का आयोजन किया गया, क्या है पूरा? माता जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामीण बंधु और समाज के प्रतिष्ठित छोटे बड़े सभी लोगों द्वारा मिलकर इस आयोजन में प्रतिभाग किया जाना है। रोज कथा कभी कथा दो इस कथा का आयोजन श्री पुंडरीक महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। 2 से 5 प्रत्येक दिन कथा होगा, एक सप्ताह तक चलेगा। 4 को भंडारा। कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।